प्रिया ने मन ही मन खुद से बात करते हुए कहा, देविका से जुड़ी बातें तो मैं इंस्पेक्टर धनंजय को बता सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने आरडी बॉस से जुड़ी बातें उसे बता दी तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आरडी के साथ साथ राघव भी पुलिस के टारगेट पर आ जाए। प्रिया ने अपने आप को थोड़ा सा वक्त और दिया, फिर खुद से बातें करते हुए बोली, लेकिन मैं राघव को पुलिस से बचाने के बारे में क्यों सोच रही हूँ? सिर्फ इसलिए कि वो मेरे साथ पोलाइट होकर बर्ताव करता है? लेकिन मैं ये कैसे भूल सकती हूँ कि वो भी मुझे कैद रखने में उतना ही दोषी है जितना कि आरडी। इतना सोचते सोचते प्रिया थोड़ी देर के लिए आंखें बंद करके बेड पर बैठ गई। जैसे ही प्रिया अपने आप को रिलैक्स महसूस कर रही थी, तभी उसके जहन में आरडी की वही बातें गूंजने लगी जो उसने मिस्टर मेहता के लिए राघव से कही थी। मिस्टर मेहता का वक्त आ चुका है, उन्हें खत्म कर दो। प्रिया की अचानक से आंखें खुली। प्रिया को बार बार रह रहकर आरडी की ये बातें याद आ रही थी, लेकिन उसे ये भी याद है कि जब उसने राघव से सीधे अपने डैड को मारने के बारे में सवाल किया था तो राघव ने उसे भरोसा दिलाया था। राघव ने उसे कहा था, मैं तुम्हें और तुम्हारे डैड दोनों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। एक पल बाद प्रिया को राघव के साथ का वो मोमेंट भी याद आ रहा था जब उसके डैड का कॉल आया था तो वो उसे छोड़कर वहां से चला गया, जिससे कहीं ना कहीं ये बात भी साफ हो रही थी कि राघव अपने डैड का कहा कभी भी नहीं टालता था। इस वक्त प्रिया अजीब सी कश्मकश में थी। एक तरफ तो वो आरडी को कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहती थी, तो दूसरी तरफ राघव को इन सब से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि उसे मन ही मन ऐसा भी लगने लगा था कि राघव किसी मजबूरी में ये सब कर रहा था। वहीं वो इंस्पेक्टर धनंजय शाह के जरिए कानून की मदद भी लेना चाहती थी। प्रिया ने इन सब बातों के बारे में सोचते सोचते एक डिसीजन लिया और अपने आप से कहने लगी, ठीक है, मैं धनंजय से बात तो करती हूँ, उसे कुछ यहाँ के बारे में बताती भी हूँ, लेकिन अभी मैं सारी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगी, सिर्फ कुछ बातें ही उसे बताऊंगी। इतना सोचते हुए प्रिया ने इंस्पेक्टर धनंजय को कॉल करके कॉन्टेक्ट किया। एक से दो रिंग जाने के बाद धनंजय ने कॉल पिक करते हुए कहा, हेलो प्रिया, तुम्हें अपने डैड से मिलकर अच्छा लगा? अब तो मिस्टर कबीर मेहता की तबीयत पहले से काफी बेहतर है। इंस्पेक्टर धनंजय के मुंह से ये बात सुनकर प्रिया एक मिनट के लिए शॉक्ड हो गई। उसने तुरंत धनंजय से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं अपने डैड से मिलकर आई हूँ? इंस्पेक्टर धनंजय ने हंसते हुए कहा, मेरा काम ही सब पर नजर रखना है, मुझे सबके बारे में सब कुछ पता चल जाता है, सब कुछ। हाँ, प्रिया धनंजय के मुंह से ये बात सुनकर हैरान हो गई थी। एक पल के लिए उसने मन ही मन खुद से कहा, कहीं मैं जो इससे बातें छुपाने जा रही हूँ वो बातें इसे ना पता हो, लेकिन अगर इसे घर के अंदर की खबर मिल जाती तो फिर मुझसे ये कॉन्टैक्ट ही क्यों करता? हो ना हो, इस घर के अंदर क्या होता है इस बारे में इसे कोई भी बात मालूम नहीं होगी। प्रिया ने अपने आप को संभालते हुए इंस्पेक्टर धनंजय से कहा, मैंने तुम्हें कुछ बताने के लिए कॉल किया है। इंस्पेक्टर धनंजय ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, गुड, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, क्या कहना चाहती हो? प्रिया ने फिलहाल आरडी की पिंटो को टॉर्चर करने वाली बात को छुपाया और उसे देविका और नैना से जुड़ी साजिश भरी बातों के बारे में बताया। प्रिया की सारी बातें सुनने के बाद फोन के दूसरी तरफ से इंस्पेक्टर धनंजय ने कहा, थैंक्स प्रिया, तुम्हें इस घर में और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, आगे से तुम्हें जैसे ही कुछ पता चले इसी तरह से मुझे बताती रहना, और हाँ, पुलिस हमेशा तुम्हारी हेल्प के लिए रेडी है, इस बात को मत भूलना। इतना कहते हुए इंस्पेक्टर धनंजय ने कॉल रख दिया। प्रिया ने गहरी सांस ली और कुछ देर आंखें बंद करके वहीं पर बैठ गई। तब तक डिनर का टाइम भी होने ही वाला था। प्रिया डिनर के लिए रूम से बाहर निकली ही थी कि वहीं हॉल में बैठी देविका और नैना की नजर प्रिया पर गई। उधर दूसरी तरफ देविका और नैना प्रिया को अपने रास्ते से हटाने के लिए लगातार जोया को प्रिया के खिलाफ भड़काए जा रही थी। साथ ही देविका इस बात पर भी जोर दे रही थी कि उसे आरडी के मकसद का पता चल सके कि आखिर आरडी ने जोया को इंडिया क्यों भेजा था, लेकिन जोया ने इस बात पर बड़ी ही चालाकी से पर्दा डाल दिया था और उसने देविका को कुछ भी पता नहीं चलने दिया। नैना ने जोया से कहा, वो पार्टी तो भाई के सीईओ बनने की खुशी में दी गई थी, लेकिन वहां से प्रिया की किस्मत बदलने की शुरुआत हुई। प्रिया को उस पार्टी से भाई के करीब आने का मौका मिल गया था। जोया ने हैरानी के साथ पूछा, बट कैसे?
देविका ने नैना की बात को बढ़ाते हुए कहा, जोया शायद तुमने अभी तक प्रिया को देखा नहीं है। वो देखने में बहुत ही खूबसूरत और बातें करने में बहुत ही तेज और चालाक है। प्रिया की खूबसूरती का जिक्र होते ही नैना ने पहले देविका की तरफ देखा और फिर जोया की तरफ देखते हुए कहा, ओफो मैं भी कहां ये बातें आपको बता रही हूँ, चलिए हम सीधा ही जोया और प्रिया की हाय हेलो करवाते हैं। नैना ने इतना कहा ही था कि जोया अपनी जगह से उठकर मिरर की तरफ जाकर अपने आप को देखने लगी और उसने कहा, नहीं मैं खुद उससे मिल लूंगी। नैना ने दोबारा जोया से कहा, वो इस वक्त अपने रूम में ही है, चलिए आप दोनों की आपस में बात भी हो जाएगी। जोया के चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ नजर आ रहा था कि इस वक्त वो प्रिया से मिलना नहीं चाहती थी, जिसे समझकर देविका ने जोया की साइड लेते हुए नैना से कहा, ओफो नैना तुम भी क्या जोया को प्रिया से मिलवाने की जिद लेकर पीछे ही पड़ गई हो। नैना ने बातों को आगे बढ़ाते हुए कहा, ओके और फिर इसी खूबसूरती से प्रिया ने पाची में भाई को अट्रैक्ट किया और फिर पता नहीं ऐसा क्या हुआ कि भाई ने पाची में सबके सामने 10 दिनों के बाद अपनी और प्रिया की एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। नैना ने प्रिया के बारे में जोया को इतनी बात बताई थी कि तभी जोया को एक जरूरी कॉल आ गया। ये कॉल जोया के लिए बहुत ही जरूरी था। तब जोया देविका और नैना से बाद में बात करने का इशारा करते हुए अपने रूम में चली गई। इधर दूसरी तरफ मौसम खराब होने की वजह से प्रिया रूम हीटर के पास बैठी हुई थी। वैसे तो प्रिया बहुत ही डियरिंग थी, लेकिन वो तेज आंधी तूफान बिजली की गड़गड़ाहट से डरती थी, क्योंकि इसके पीछे एक खास वजह उससे जुड़ी हुई थी और वो वजह सिर्फ प्रिया को ही नहीं बल्कि प्रिया की पूरी फैमिली को ही डरा देती थी। वो हमेशा ऐसा इस तरह का खराब मौसम होने पर अपनी मॉम के रूम में जाकर सोया करती थी, लेकिन यहाँ सिंह पैलेस में ऐसा कोई भी नहीं था सिवाय राघव के, जिसे वो ये बात बता सके कि उसे ऐसे मौसम में बहुत डर लगता था और वो पूरी रात रात भर बादल और बिजली की गड़गड़ाहट की वजह से सो नहीं पाती थी। वहीं सिंह पैलेस के बाहर रिकी ने राघव को ड्रॉप करते हुए कहा, राघव तुम्हें नहीं लगता कि तुम अपने डैड को बिना बताए जिस तरह से प्रिया की मदद कर रहे हो वो ठीक नहीं है? राघव ने घर में एंटर होने से पहले रिकी से कहा, रिकी तुम्हारी बातें तो सही है, मैंने भी इस बारे में सोचा था, लेकिन तुम जानते हो राघव को जिस वक्त जो सही लगता है वो करता है, फिर चाहे अंजाम जो भी हो। रिकी ने कार आगे बढ़ाने से पहले कहा, लेकिन इस बार तुम जो कुछ भी कर रहे हो वो सब तुम अपने डैड के खिलाफ करते जा रहे हो। रिकी के इतना कहते ही जोर से आसमान में बादलों के गरजने के साथ बिजली के गड़गड़ाने की आवाज आई, जिससे एक तरफ रूम में प्रिया डर गई तो वहीं दूसरी तरफ इधर बाहर राघव ऊपर आसमान की तरफ देखने लगा, जहां तेज बारिश की शुरुआत हो चुकी थी। तब तक रिकी वहां से निकल गया था। राघव पैलेस के अंदर एंटर हुआ, उसे हॉल में कोई दिखाई नहीं दिया तो उसने सर्वेंट से प्रिया के रूम में 2 कॉफी भिजवाने को कहा और अपने रूम में फ्रेश होने के लिए चला गया। कुछ देर में राघव चेंज करके प्रिया के रूम में जाने के लिए अपने रूम से निकला। राघव ने देखा कि 2 कॉफी लेकर सर्वेंट ने प्रिया के रूम को नॉक किया। राघव उसके पास पहुंचा, वैसे ही प्रिया ने डोर खोला, सर्वेंट रूम में एंटर हुआ और कॉफी रखकर चला गया। राघव और प्रिया दोनों की एक दूसरे से नजरें मिली। प्रिया ने कुछ भी नहीं कहा और वहीं वापस जाकर बैठ गई। राघव ने रूम में एंटर होते हुए कहा, बाहर जिस तरह से बारिश हो रही है मैंने सोचा ऐसे मौसम में तुम कॉफी पीना पसंद करोगी। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। राघव बेड पर प्रिया के पास ही बैठ गया और उसे कॉफी देते हुए कहा, मुझे बारिश बहुत पसंद है, क्या तुम्हें भी? प्रिया ऐसे मौसम से डरती तो थी, लेकिन वो राघव को इस बारे में बताना नहीं चाहती थी। प्रिया राघव की बातों का सिर्फ हाँ या ना में ही सिर हिलाकर ही जवाब दे रही थी कि तब तक दोनों की कॉफी भी खत्म हो चुकी थी। तभी अचानक से खराब मौसम की वजह से तेज बिजली की कड़कड़ाहट के साथ जोर से बादल गरजे, जिसकी चमक से प्रिया राघव के सीने से लग गई। और कुछ सेकंड्स तक, जब तक बादलों के गरजने की आवाज बंद नहीं हुई, तब तक राघव ने भी प्रिया को वैसे ही अपने सीने से लगाए रखा। जैसे ही कुछ पल बाद बादलों के गरजने की आवाज बंद हुई, राघव ने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए प्रिया से कहा, अच्छा तो तुम्हें ऐसे मौसम से डर लगता है?
प्रिया अभी भी पूरी तरह से राघव के सामने इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी और उसने अपने आप को राघव से दूर करते हुए कहा, अचानक से मौसम खराब होगा तो भला किसे डर नहीं लगेगा। मौसम खराब होने की वजह से बारिश के छींटों के साथ तेज हवाएं चल रही थी जिससे प्रिया के रूम की खिड़कियां जोर से खड़खड़ा रही थी। राघव अपनी जगह से उठा और उन खिड़कियों को बंद करते हुए कहने लगा, बचपन में जब ऐसा मौसम होता था तो मैं भी बहुत डर जाया करता था और अपनी ग्रैंड मॉम के पास पहुंच जाता था। राघव ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ दोबारा कहा, अच्छा तो तुम ये मानती तो हो कि यह बादलों के गरजने की आवाज तुम्हें डरा देती है ना? प्रिया ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही। राघव ने प्रिया को थोड़ा सा छेड़ते हुए कहा, अच्छा तो फिर तुम ऐसे ही मुझसे आकर लिपट गई थी। इतना कहने के बाद राघव वहां से जाने के लिए उठा, लेकिन प्रिया को ये बिजली की गड़गड़ाहट डरा रही थी। उसने पहली बार राघव को रुकने को रोका, तब राघव फिर से प्रिया के पास बैठ गया। राघव को इस बात से हैरानी हुई कि प्रिया उसे रोकने के लिए कह रही थी। तब राघव ने प्रिया से सवाल करते हुए पूछा, क्यों बादल और बिजली दोनों ने मिलकर तुम्हें डरा दिया? प्रिया ने तुरंत जवाब देते हुए कहा, नहीं वो। प्रिया अपनी सफाई देती इससे पहले ही फिर से दोबारा पिछली बार से भी तेज बादल गरजने लगे और बिजली की गड़गड़ाहट शुरू हो गई, और इस बार प्रिया कसकर राघव के सीने से लग गई। राघव ने भी प्रिया को वैसे ही सीने से लगाए रखा। कुछ पलों के लिए दोनों एक दूसरे से वैसे ही गले लगे रहे। जब भी प्रिया इस तरह से गलती से राघव को सीने से लगाती, तब तब राघव के दिल को बहुत ही सुकून मिलता था। राघव ने अपने आप से कहा, प्रिया मैं हमेशा तुम्हें इसी तरह से सीने से लगाकर रखूंगा, अपने पास अपनी आंखों के सामने तुम्हें देखते रहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ तुम्हारी फैमिली के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा, लेकिन मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं धीरे धीरे सब ठीक कर दूंगा। वहीं प्रिया भी राघव के सीने से लगी हुई थी। उसने मन ही मन खुद से कहा, मुझे ये इंसान कभी समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों जब भी मैं गलती से इसके सीने से लग जाती हूँ तो मुझे न जाने क्यों ऐसा लगता है कि मैं दुनिया की सबसे महफूज जगह पर हूँ। कुछ ही देर में राघव और प्रिया दोनों एक दूसरे को गौर से देखने लगे। प्रिया की नजरें राघव की आंखों पर आकर रुक गई, तो वहीं राघव की नजरें प्रिया के चेहरे से जुल्फों को हटाते हुए उसके गुलाबी होठों पर आकर रुक गई। दोनों अपने आप पर कंट्रोल खोते जा रहे थे, और फिर राघव अपने होठों को प्रिया के होठों के करीब ले जाने लगा। प्रिया भी सिर्फ राघव की आंखों में देखे जा रही थी। राघव प्रिया के होठों को किस करने के लिए उसके होठों के बहुत ही करीब पहुंच चुका था। प्रिया भी अपने आप को भूलती जा रही थी। आज पहली बार ऐसा हुआ था जब दोनों अपने आप को भूल चुके थे और पूरी तरह से एक दूसरे में खोते जा रहे थे। ना ही राघव अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था और ना ही प्रिया अपने दिल को समझाने की कोशिश कर रही थी। उसका दिमाग उसे ये करने की इजाजत नहीं दे रहा था, लेकिन उसके दिल ने अपने दिमाग की एक भी नहीं सुनी थी। लेकिन आखिरी वक्त पर प्रिया ने अपने आप को संभाल ही लिया था। दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके थे कि वो एक दूसरे की गर्म सांसें महसूस कर पा रहे थे। राघव ने अपने होठों को प्रिया के होठों पर टिका दिया था कि तभी अचानक से प्रिया अपने सेंस में आई और राघव से दूर हो गई, और उसी वक्त उसके मोबाइल की मैसेज टोन बजी। उसने मोबाइल के मैसेज को देखा। उसके बाद प्रिया के चेहरे पर एक परेशानी नजर आने लगी थी। प्रिया ने मन ही मन कहा, रोजी पर कौन सी मुसीबत आ गई? क्या दोनों के बीच आहिस्ता आहिस्ता मोहब्बत की शुरुआत होते जा रही थी? जानने के लिए सुनते रहिए इस शो के अगले एपिसोड्स सिर्फ पॉकेट एफएम पर। प्रिया ने मन ही मन कहा, रोजी पर कौन सी मुसीबत आ गई? दरअसल प्रिया को जो मैसेज आया था वो किसी और का नहीं बल्कि उसकी फ्रेंड रोजी का था। मैसेज में लिखा था, आई एम इन ट्रबल। प्रिया ने तुरंत रोजी को वीडियो कॉल किया। एक से दो रिंग जाने के बाद रोजी ने कॉल पिक करते हुए बड़ी ही बेचैनी के साथ कहा, प्रिया प्रिया आई नीड योर हेल्प। रोजी की आवाज और चेहरे पर एक घबराहट साफ झलक रही थी। प्रिया ने उसकी घबराहट को समझते हुए बोला, रिलैक्स रिलैक्स रोजी, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और तुमने जो मैसेज किया
आखिर प्रॉब्लम क्या है? रोजी ने उसी घबराहट के साथ कहा। प्रिया, मैं कुछ दिनों से बहुत टेंशन में हूँ। मुझे मालूम है तुम्हारी खुद की परेशानियां कम नहीं है, लेकिन इस वक्त मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूँ, और तुम्हारे अलावा मुझे कोई और हेल्प के लिए दिखाई नहीं दे रहा। प्रिया ने उसे दिलासा देते हुए कहा। डोंट वरी रोजी, तुम मेरी परेशानियों के बारे में छोड़ो और बताओ प्रॉब्लम क्या हो गई है? रोजी ने रोते हुए घबराहट के साथ कहा। कोई इतना कहते हुए रोजी फिर से रोने लगी, जिसे चुप कराते हुए प्रिया ने कहा, अगर तुम इसी तरह से रोती रहोगी तो फिर मैं तुम्हारी हेल्प कैसे कर पाऊंगी? तुझे मालूम है ना, कॉलेज में मैं सारी प्रॉब्लम्स का किस तरह से सॉल्यूशन निकाल लिया करती थी। तू टेंशन मत ले, मुझे सिर्फ ये बता कि प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन हम दोनों मिलकर निकाल लेंगे। रोजी का रोते रोते गला भर गया था। उसने वैसे ही रोते हुए घबराहट के साथ बोला, कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। रोजी से ब्लैकमेल वाली बात सुनकर प्रिया ने हैरानी से कहा, व्हाट, ब्लैकमेल? रोजी ने अपने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, हाँ ब्लैकमेल। प्रिया, कोई है पता नहीं कौन, पर वो मुझे कई दिनों से परेशान कर रहा है। अब जब भी मेरा मोबाइल किसी की कॉल से रिंग करने लगता है तो मैं कांप उठती हूँ। मैं जाती हूँ, मुझे लगता है कि कहीं फिर से उसी का कॉल तो नहीं। प्रिया ने इस ब्लैकमेलिंग की वजह को जानने की कोशिश करते हुए पूछा, लेकिन तुझे कोई इस तरह से ब्लैकमेल करके परेशान कर रहा है? इसके पीछे की कोई तो वजह होगी ना, आखिर वो तुझसे चाहता क्या है? रोजी ने तुरंत जवाब दिया, मैं तुझे सब बताना चाहती हूँ, पर कॉल पर नहीं। फिर रोजी ने प्रिया से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज क्या तुम यहाँ मेरे फ्लैट पर आ सकती हो? प्रिया थोड़ा सा हिचकिचाई, क्योंकि उसे यहाँ से निकलने के लिए राघव की परमिशन चाहिए थी, और उसके साथ हमेशा राघव के बॉडीगार्ड्स होते थे। फिर भी उसने रोजी से कहा, तुम टेंशन मत लो, मैं कुछ ही देर में वहां पर पहुंचती हूँ, ओके? इतना कहने के बाद जहाँ रोजी प्रिया के आने का वेट कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ प्रिया ये सोच रही थी कि वो कैसे रोजी की मदद करे। तभी उसका डोर नॉक हुआ। प्रिया ने जैसे ही डोर ओपन किया, उसके ठीक सामने राघव खड़ा था। प्रिया राघव से किसी भी तरह की हेल्प नहीं लेना चाहती थी, लेकिन उसके जहन में रोजी की बातें भी घूम रही थी। उधर रोजी प्रिया के आने का इंतजार कर रही थी। राघव प्रिया से कुछ कहता, उससे पहले ही प्रिया ने उससे कहा, मुझे बाहर जाना है कुछ जरूरी काम से, क्या तुम मुझे ले चलोगे? राघव प्रिया के मुंह से ये सुनकर शॉक्ड हो गया था, क्योंकि अमूमन प्रिया कभी भी राघव को आगे रहकर इस तरह से कहीं ले जाने का नहीं कहती थी, लेकिन इस वक्त